हमेशा इंसानों को बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया है और आज जरूरत है इंसानों को प्रगति की संरक्षण करने की। तो आइए देखते हैं गांव का दृश्य, कैसे इंसानों ने विकास के नाम पर कटने वाले पेड़ों को बचाया। यहाँ की जीवन काफी अच्छी है हमारे कारखाना डालने के लिए, हमें कारखाना यहीं पे चाहिए, जितना जल्दी हो सके कारखाने का काम शुरू करवाओ। अरे सर, कारखाना तो बना देंगे पर इन पेड़ों का क्या? क्या मतलब क्या? इस जगह में जितने भी पेड़ है सारे के सारे कट जाने चाहिए। आखिर हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं और इन गाँव वालों के भलाई के लिए हम लोग कुछ कर ही रहे हैं। सही बोला सर, तरक्की के लिए तो कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गाँव। उधर खड़े आम के पेड़, उधर खड़े अमरूद के पेड़ और बाकी सारे पेड़ ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने इंसानों को बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया, छांव दी, फल दिए और इंसान अपने लालच के कारण उन सबको खत्म कर देना चाहते हैं। वैसे हम एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, हमने इंसानों के लिए इतनी सेवा करी और वो बदले में उन सबको खत्म कर देना चाहते हैं। इंडस्ट्री ने अगले दिन पेड़ काटते हुए हम यहाँ पर आए थे हैं क्योंकि आप लोग जंगल काटते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे और ऐसे आप चलते रहेंगे तो आप पूरा जंगल साफ कर देंगे, कहाँ पर रहेंगे हमारे पेड़? अपनी आधी गलती तो आप ये कहकर मान ही गए हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, आप जैसे लोगों ने यहाँ के आधे जंगल तो काट ही दिए और जो बचे कुचे पेड़ हैं उनके भी पीछे पड़े हैं आप लोग। अरे फिर तुम लोग इतनी परवाह हो रही है, जब इन गाँव वालों को कोई परवाह नहीं है तो तुम्हें कौन सी इतनी परवाह हो रही है? वह गाँव वाले अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते हुए भी चुप है और वह पेड़ और जंगल बस सिर्फ इसी उम्मीद में है काश उनके आज प्राण बच जाए। चलो चलो गाँव वालों से चलकर बात करते हैं। मुझे तुम सब एक बात बताओ, क्या तुमसे इस पेड़ ने कोई फल देने के लिए कोई हिसाब मांगा, कोई किराया लिया? तुमने ये जो पेड़ ने तुम्हें जो छाया दी क्या उसने उसका हिसाब मांगा? क्या तुमसे तुम्हारे पेड़ ने कहा कि नहीं तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे? क्या पेड़ ने कभी तुम्हें मना किया? तो आज हम लोग क्यों चुप ऐसे बैठे? आज जब पेड़ कट रहे हैं तो हम लोग क्यों इतने साथ बैठे? क्यों आप तुम लोग इतने साथ बैठे हो, बोलते क्यों नहीं? पर आज हम लोग ऐसे ही चुप रहे और इन जैसे लोगों को अपनी मनमानी करनी थी तो एक दिन यहाँ पे सारा कॉन्क्रीट बन जाएगा। इन पेड़ों के बिना आप अपना भविष्य सोच ही कैसे सकते हैं? मानव की विकास करती है पर पेड़ों को काट कर तो नहीं। अगर आज हमने ये पेड़ कटे दिए तो यहाँ पर बनेगा एक कारखाना, कारखाने से निकलेगा धुआं और जब आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी तो इस कारखाने का मालिक तो नहीं आएगा ना आपसे आपसे पूछने के लिए। हमें ये समझना होगा कि ये धरती हमारी माँ है, ये हमारी रक्षा करती है, हमें पोषण देती है और आज जब ये खतरे में है तो क्या ये हमारा धर्म नहीं कि हम भी इसकी रक्षा करें? जो पेड़ में ही जीवन की धारा है इसे बचाना संकल्प हमारा है, जो पेड़ में ही जीवन की धारा है इसे बचाना संकल्प हमारा है, जो पेड़ में ही जीवन की धारा है इसे बचाना संकल्प हमारा है। गाँव वालों, इन लोगों की बातों में आके ऐसे मत बनो, यहाँ पे जो कारखाना बनेगा वो तो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। माफ करो, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए, दे के हम हमारे के पास थोड़े ही जंगल और थोड़े ही पेड़ बचे हैं, इसको मत काटो और यहाँ से चले जाओ। माना तरक्की जरूरी है पर इतने भी जरूरी नहीं कि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश कर दें। और अपनी प्रगति की रक्षा करी, जब वे लोग छोटी सी बात समझ सकते हैं कि विकास जरूरी है पर अपने पर्यावरण का संघर्ष नाश जरूरी नहीं है तो हम ये बात नहीं समझ सकते क्या? हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और आज आप लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और आप
हमारी बात सुनी, इसके लिए हमारी नई संस्था की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और अगली बार की उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी मदद करने के लिए आगे आएंगे। हमें अपनी प्रगति को और अपनी देहरादून देवभूमि को खुद बचाना है, तो सब आगे बढ़े और सब मिलकर अपने देहरादून को बचाएंगे। जागो रे जागो, जागो जागो, जागो रे जागो।